असलम एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज की मेरी मॉर्निंग जो है वो थोड़ी सी लेट हुई थी आ, वैसे तो मैं आठ बजे उठ गई थी लेकिन बस बिस्तर छोड़ने का दिल नहीं कर रहा था मेरा दिल कर रहा था बस सोते रहो आराम करो आज क्योंकि वेदर इतना प्यारा है जब मौसम प्यारा हो तो मेरा मूड भी बहुत प्यारा होता है आ, बच्चे जो हैं वो अपने स्केजल के हिसाब से उठ के बैठे हुए थे खेल रहे थे और फिर मैं भी उठ के बाहर आ गई और आंख खुलते के साथ ही जो है वो काम हमारा वेट कर रहे होते हैं कामों पे हमें फटाफट लग जाना होता है सबसे पहले तो सुबह नाश्ते की टेंशन होती है कि बच्चों को क्या नाश्ता करवाना है ख़ुद क्या नाश्ता करना है फिर उसके बाद लंच की टेंशन और डिनर की टेंशन हमारा पूरा दिन जो है वो टेंशन में ही गुजरता है खाने पीने की स्पेशली और अभी यहाँ पर अलाया आरिब को मैं बाथरूम में ले आई जल्दी जल्दी आरिब को चेंज करवाना होता है सुबह सुबह और फिर इनको ब्रश करवाती हूँ अच्छे से इनका ये फेवरेट टाइम होता है इनको ब्रश करना बहुत अच्छा लगता है मतलब पानी के साथ आई थिंक हर बच्चे को खेलना बहुत अच्छा लगता होगा मेरे बच्चों का भी यही हाल है कि उनका बस बस चले वो ट्वेंटी फोर सेवन हाथ ही वॉश करते हैं फिर किचन में आई और बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ पराठा और इसके अंदर मैंने क्या किया कि मेरे पास मिक्स वेजीज़ रखी हुई थी बच्चों की वो ऐड कर दी और साथ में थोड़ी सी चीज़ डाल दी तो सब्जी का पराठा रेडी हो गया था इनके लिए और आज है संडे तो मेरा चीट डे होगा मैंने सोचा कि आज मैं पराठा खा लेती हूँ और साथ में मैं ऑमलेट बना लेती हूँ बहुत ही लाइट सा क्योंकि बहुत महीने हो गए थे मैंने पराठा नहीं खाया था और अंडा भी मैंने बस बंद कर दिया था खाना क्योंकि मुझे एलर्जीज बहुत ज़्यादा हो गई थी और आज बस मेरा मूड हो रहा था कि मुझे ऑमलेट खाना है वो भी पराठे के साथ और मुझे जो है क्रेविंग स्क्वायर पराठा खाने की हो रही थी आ, मुझे याद है कि बचपन में जब हम छोटे होते थे और पंजाब जाते थे तो मेरी जो पुप्पो वगैरह होती थी वो हम लोग के लिए स्पेशली स्क्वायर पराठा बना कर देती थी छोटे छोटे और इतना मज़ा आता था उनको खाने का और मेरी दादी ने ना हम सबकी कलरफुल सी ना हम तो छाबियाँ बोलते थे वो ला कर रखी हुई थी और हम लोग उसमें बड़े मज़े से अपना पराठा लेते थे और फिर सब बैठ कर नाश्ता करते थे मतलब वो टाइम मुझे इतना याद आता ना हम एवरी ईयर जाते थे दादी के पास और अपना टाइम जो है वो बहुत अच्छे से गुजारते थे अब मैंने सोचा कि मैं इन जब भी पाकिस्तान जाऊँगी तो पंजाब ज़रूर विज़िट करूँगी क्योंकि मुझे पंजाब का लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा लगता है वहाँ का इन्वामेंट बहुत अच्छा लगता है और लास्ट व्लाग में मुझे एक कॉमेंट आया था और उसके नीचे काफ़ी ज़्यादा लाइन लग गई थी कि मेरे और हस्बैंड की लड़ाई नहीं होती है मतलब उनको मुझे देख के लगता है कि मैं बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करती होंगी और अगर लड़ाई होती है तो किस तरह से हम लोग फिर मैनेज करते हैं लड़ाई हर रिलेशनशिप uh, में होती है अब वो माँ बेटी का हो या फिर हस्बैंड एंड वाइफ का हो बहन भाई का हो तो जहाँ लड़ाई नहीं है वहाँ प्यार नहीं है तो मेरी और अली की भी लड़ाई जो है वो uh, अक्सर होती रहती है मतलब आर्ग्यूमेंट्स uh, कह लें लड़ाइयाँ नहीं आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं कभी उनको कुछ बुरा लग जाता है कभी मुझे कुछ बुरा लग जाता है लेकिन हम लोग जो हैं वो थोड़ी देर एक दूसरे को स्पेस दे देते हैं मतलब बात नहीं करते और उसके बाद फिर हम दोनों बात करने लग जाते हैं लाइक हम लोग नॉर्मल हो जाते हैं हम लोग की लड़ाइयाँ जो हैं वो तीन दिन चार दिन तक नहीं चलती हैं एक घंटे के अंदर अंदर सब कुछ जो है वो सही हो जाता है और मुझे वैसे भी जो है इतना मुंह बना कर बैठने की आदत नहीं है मैं चाहती हूँ कि बस ठीक है अगर लड़ाई हो गई है थोड़ी देर वो चुप हो गए थोड़ी देर मैं चुप होकर बैठ गई हूँ और फिर घर का माहौल जो है वो नॉर्मल हो जाता है घर में जो है वो मैं और अली ही हैं एक दूसरे के लिए कोई थर्ड पर्सन तो है नहीं तो अगर हम लोग भी मुंह बनाकर बैठ जाएंगे तो फिर हमसे बात करने वाला कोई नहीं हो होगा तो इसीलिए कोशिश ये करते हैं कि हम लोग जो है वो कम से कम आर्ग्यूमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को टाइम दिया करें और एक और बात अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने के लिए कि अपने घर की कोई भी बात थर्ड पर्सन को ना बताएं मतलब वो थर्ड पर्सन आपकी फ़ैमिली से भी हो सकता है या फिर आपकी इन लॉज की साइड से भी हो सकता है तो अपने तक रखें अपने घर की चार दीवारी तक रखें अगर पानी जो है वो सर के ऊपर से गुजर जाए तब आप किसी थर्ड uh, पर्सन को इन्वॉल्व करें लेकिन कोशिश ये करें कि खुद ही आपस में सॉर्ट आउट कर लें मतलब अगर बात जो है वो घर से बाहर जाती है तो आ, लड़ाई जो है वो फिर और बढ़ जाती है ना और दिल बुराइयाँ भी बैठना शुरू हो जाती हैं एक दूसरे की फ़ैमिलीज़ के साथ तो मियाँ बीवी तो मिल जाते हैं एंड ऑफ़ द डे लेकिन फैमिलीज़ में जो है वो दिल बुराइयाँ बैठ जाती हैं इसीलिए कोशिश ये करें कि अपनी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं अपने तक रखें और या अपनी किसी फ्रेंड से शेयर कर लें और माशाल्लाह मेरे ससुराल वाले भी ना बहुत अच्छे हैं इस मामले में कि वो बीच में नहीं पड़ते हैं अपने काम से काम ही रखते हैं और हमेशा मेरी ही साइड लेते हैं मतलब सब लोग बहुत अच्छे हैं बहुत मोहब्बत करने वाले हैं और आप लोग भी मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा कि आपकी जब हस्बैंड से आर्ग्यूमेंट्स होती हैं तो आप लोग किस तरह से मैनेज करते हैं मतलब मुंह बनाकर कमरे में बंद हो जाते हैं या फिर अपने मैके चली जाती हैं ज़रूर मुझे बताइएगा मुझे अच्छा लगेगा आप लोग के कमेंट्स पढ़ना बाकी अल्लाह ताला सबके रिश्ते में बरकत दे और आप लोग सब बहुत खुश रहें अपने हस्बैंड्स के साथ या जिनकी शादी नहीं हुई है अल्लाह ताला आप लोग को बहुत अच्छे हस्बैंड दे आमीन सुमामीन तो बातों ही बातों में मैंने कपड़े फ़ोल्ड कर दिए थे और नेक्स्ट मॉर्निंग हुई मैंने पूरा रूम को क्लीन किया क्योंकि वो रूम बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था आ, क्योंकि हम लोग नमाज भी उधर ही पढ़ते हैं साथ में मैं वर्कआउट भी वहीं पर कर रही होती हूँ तो इसीलिए मैंने उस रूम को थोड़ा एमटी ही रखा हुआ है ताकि हमें स्पेस मिल जाए अब यहाँ पर मैं किचन में आई हूँ मैं बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी केक क्योंकि अब अलाय और को केक खाने का बहुत ज़्यादा दिल हो रहा था और घर में केक था भी नहीं तो मैंने सोचा कि डिनर में हम लोग स्ट्रॉबेरी केक का डिज़र्ट खा लेंगे क्योंकि अच्छा लगता है ना रात को थोड़ा बहुत मीठा खाना ज़रूरी होता है और सुनत भी होती है मेरे घर में मीठा सबको बहुत अच्छा लगता है और ये जो स्ट्रॉबेरी केक है ना इस ये ज़्यादा मीठा भी नहीं होता है रेडीमेड पैक मिलता है तो मैं उस वही लेकर आती हूँ और उसी से बना देती हूँ बहुत जल्दी बन भी जाते हैं पर मैंने केक को बेक होने रखा और यहाँ पर देखे माशाल्लाह से कितना अच्छा जो केक है वो निकल कर आ गया है इतना मज़े का सॉफ्ट केक बना था ना और मेरी कोशिश भी अब यही होती है कि मैं बच्चों को घर में ही जो है वो अच्छी फ्रेश चीज़ें बनाकर खिलाऊँ क्योंकि बाहर वो इतने प्यार से नहीं बनाते हैं जितनी हम माएँ जो है वो अपने इतने प्यार से बच्चों के लिए चीज़ें रेडी करती हैं और उसका टेस्ट भी फिर बहुत अच्छा निकल कर आता है अब अब्दुल्लाहद का दिल हो रहा था कि उसको खाना है पफ पेस्ट्रीज चिकन पैटीज जो होते हैं वो Um, हम लोग गए थे सुबह कुछ ग्रोसरी लेने के लिए और उस स्टोर में पफ पेस्ट्रीज़ मिलती हैं um, बनी बनाई लेकिन उनके पास नहीं थी मैंने सोचा कि मैं इसको खुद ही घर पे बना कर दे दूँगी मेरे पास ये पेस्ट्रीज रखी हुई थी और ये रेडीमेड मिल जाती हैं बहुत ईजी रहती हैं ये तो मैं ला कर रख देती हूँ बाकी फिर मैंने कीमा वगैरह जल्दी से बनाया और अब्दुल्हाद की भी ख्वाहिश है वो ऐसे पूरी की बच्चों की ख्वाहिश ना अब जब आप पूरी करते हैं ना तो फिर जब वो आपको आगे से इतना अच्छा थैंक यू बोलते हैं आपकी तारीफ़ करते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और माशाल्लाह मेरे बच्चे इस मामले में बहुत अच्छे हैं अब दुलाहत खास कर खासकर वो अप्रिशिएट करता है अगर मैंने उसके लिए पैटीज बनाए हैं तो वो मुझे बोलते हैं मम्मी थैंक यू सो मच और मुझे दिल से खुशी होती है और मुझे लगता है कि मेरी मेहनत जो है वो वसूल हो गई और अली भी कंजूस नहीं है तारीफ़ के मामले में उनको खाना अच्छा लगता है ना तो वो वो फ़ौर से अप्रिशिएट करते हैं मुझे बताते हैं कि नहीं तुमने आज खाना बहुत अच्छा बनाया है और जिस दिन खाना अच्छा नहीं बना होता तो वो कोई तारीफ़ नहीं करते बस छुप करके बैठ जाते हैं मुझे ही आगे से पूछना पड़ता है कि आप मुझे बताएं आज खाना कैसा बना है और जब कोई जवाब नहीं मिल रहा होता तो फिर मुझे लगता है कि लाइक अप एंड डाउन हो गया है कुछ और पैटिस भी यहाँ पर मैंने बेक होने के लिए रख दिए थे ये बहुत अच्छा एयर फ्रायर है मतलब इसमें इतनी जल्दी से चीज़ें बन जाती हैं ना दस मिनट में इतने मज़ेदार पैटीज़ जो है वो बन के रेडी हो गए थे और फिर मैंने जल्दी से अब्दुल्हाद को सर्व किए और आप लोग यकीन करें कि आज मेरा ज़्यादा टाइम जो है वो किचन में गुज़रा है मैंने माशाल्लाह केक रेडी किया फिर उसके बाद अब्दुल्हाद के लिए पैटीज़ बनाए और फिर आप डिनर की तैयारी भी करेंगे लेकिन डिनर से पहले मैंने सोचा कि लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को शॉपिंग नहीं दिखाई थी अपनी तो वो शेयर कर देती हूँ मेरे बूट्स भी आ गए थे और इतने प्यारे हैं इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था और हम माशाल्लाह पूरी फैमिली जो है वो एक जैसे बूट्स पहनेंगी और मैचिंग हो गए हम सब की मैंने इसीलिए मैचिंग शूज़ मंगवाए थे कि अगर कोई पिक्चर लें हम लोग तो सबके जो शूज़ हैं वो एक जैसे हों क्योंकि बचपन में मामा भी मुझे और मेरी बहन को एक जैसे ही कपड़े पहनाती थी हमेशा से और भाई दोनों एक जैसे पहनते थे और हम दोनों बहन एक जैसे पहनती थी लेकिन मुझे आ, मुझे होता है कि हमारे कलर सेम हो जाएं एक जैसे कपड़े ना पहने हम लोग बस कलर हमारे सेम हो तो मैंने कुछ अपने लिए नाइट सूट ऑर्डर किए थे आ, मुझे लगा कि यह कॉटन है इसकी शर्ट तो बहुत अच्छी सॉफ्ट थी लेकिन इसका पजामा वेलवेट का था और मुझे सख्त एलर्जी हो रही है अभी मैं वुलन स्टफ़ पहन ही नहीं सकती हूँ तो मैंने सोचा कि अब मैं एक्सचेंज कराऊंगी अ टारगेट जाकर तो तीनों ही ये वुलन्स स्टफ़ में निकल आए थे या तो मैं हो सकता है कि आम, पाकिस्तान जाने के लिए रख दूँ गिफ्ट एज अ गिफ्ट लेकिन आ, सोच रही हूँ कि मैं एक्सचेंज ही करा लूँगी जाकर अपने लिए पीजे दे दूँ क्योंकि मैं घर में सिर्फ पी जेस पहनती हूँ मुझे पजामा ही पहनना अच्छा लगता है मैं घर में कोई इतने फैंसी कपड़े पहनकर काम नहीं कर सकती हूँ मैं इसी में कम्फी फील करती हूँ अच्छा लास्ट टाइम मैंने दो और पीजे सेट जो पिक किए थे आप लोग को शायद याद हो या नहीं Um, वो हाफ स्लीव में थे सेम यही ब्लू कलर का था लेकिन इस बार मुझे फुल स्लीव में मिल गया तो मैंने ये वाला भी ऑर्डर कर लिया ये ब्लैक ब्लस्ट फ्राइडे की सेल लगी हुई थी और वैसे इसके प्राइस है फोटी डॉलर्स और ब्लस फ्राइडे की सेल पे यह मुझे फिफ्टीन डॉलर्स का मिला और जो दूसरे वाले पजामाज हैं वो ट्वेंटी फाइव डॉलर के सेल पर थे लेकिन ब्लैड फ्राइडे की सेल पर वो एट डॉलर्स के लगे हुए थे तो मैंने मौके से ही फ़ायदा उठाया लेकिन वो फ़ायदा जो है वो मेरे किसी काम का नहीं रहा फिर मैंने सोचा कि मैं जाकर खुद ही जब इंसान खुद ही शॉपिंग करने आता है ना तो उसको पता भी चलता है कि वो क्या चीज खरीद खरीद रहा है क्या मटेरियल है उसका लेकिन ऑनलाइन चीजों में फिर यही होता है एक्सचेंज और रिटर्न का बहुत प्रॉब्लम होता है और मैंने सेम कलर uh, का मंगवाया था हाफ स्लीव्स में और इसी तरह के मेरे पास ब्लैक भी है ब्लू भी है और uh, ये मुझे रोस्ट पिंक कलर का भी मिल गया था आप लोगों को थोड़ा बेज uh, कलर लग रहा होगा लेकिन ये है रोस्ट पिंक और इसकी जो ट्राउज़र का कट था वो ट्यूलिप शलवार की तरह उन्होंने बनाया हुआ था और इसका जो मटेरियल है वो इतना सॉफ्ट इतना मज़े का है ना मतलब पता नहीं चलता कि कुछ चीज़ पहनी हुई है और अब आ गए हैं हम किचन में दोबारा क्योंकि डिनर नहीं बनाया था तो डिनर की तैयारी करनी है आज अली ने फरमाइश की थी कि उनको खाना है पुलाव और एंड में फरमाइश हुई तो मैंने चावल जो है वो देर तक नहीं सोख करके रखे थे तो बस एक घंटा ही सोख करके रखे और फटाफट से जो है वो पुलाव रेडी किया आई डोंट नो कि आप लोग इस पुलाव को क्या बोलते हैं हम लोग मुर्गी वाले चावल बोलते हैं सिंपल गर्म मसाले वाले चावल बोलते हैं इसको मेरी मामा की स्पेशलिटी है वो ये बहुत मज़े के बनाती हैं मुझे भी नहीं लगता कि मैं उन उनकी तरह के बना सकती हूँ लेकिन फिर भी मैं ट्राई ज़रूर करती हूँ और माशाल्लाह अच्छे बनते हैं और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इसकी रेसिपी मैंने बहुत पहले से ही शेयर करी हुई है और साथ में आरब और अलाए के लिए भी मैं सेम ही चीज़ बनाती हूँ लेकिन इनकी जो चिकन है ना वो मैं प्रेशर कुकर में पकाती हूँ ताकि वो बहुत अच्छी सी सॉफ़्ट हो जाए और उनको भी मैं बिल्कुल हमारे टाइप के खाने देती हूँ लेकिन लेस स्पाइसी होते हैं ताकि उनका टेस्ट भी जो है ना वो डेवलप होता रहे और वो हमारे खाने के यूज़ हो जाए और यहाँ पर माशा पुलाव जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है मैंने अली को खाना सर्व कर दिया था और खाना खाने के बाद अब हम जा रहे हैं बाहर यहाँ पर क्रिसमस टाइम चल रहा है तो इन्होंने बहुत प्यारी डेकोरेशंस की हुई हैं पूरी स्ट्रीट सजाई हुई थी कोई टिकट वगैरह नहीं थी यहाँ की हम लोग के घर से बहुत करीब था इसको कहते हैं कैंडी केन लेन तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे बच्चों को लेके ताकि बच्चे भी जो है ना अट्रैक्ट होते हैं इस तरह की चीज़ों से उनको अच्छा लगता है हम लोग कोई मनाते नहीं हैं लेकिन लाइट्स देखना कोई बुरी बात नहीं है अच्छे और मेरे बच्चों को जो है लाइट्स देखना बहुत अच्छा लगता है जब आप इतनी कलरफुल चीज़ें देखते हो ना अपने अराउंड तो आपके अंदर का जो दिल होता है ना वो बहुत खुश होने लगता है और आपका मूड स्विंग्स जो है वो ख़ुद ही चेंज हो जाते हैं और आप भी अच्छा अच्छा फील करते हैं और माशाल्लाह यहाँ पर जो लोगों ने घर सजाए हुए थे अपने वो इतने प्यारे लग रहे थे ना मतलब इतना इनका जो क्रिसमस आने वाला है उसको ये लोग इतने अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं अभी कोई इतना खुशी का टाइम तो है नहीं लेकिन लोग जो है वो छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ जो है वो ढूंढ रहे हैं और दूसरे लोगों को भी खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं तो बस आप लोग भी खुश रख करें अपनी लाइफ में अपनी फैमिली में अप एंड डाउन हर जगह होते हैं और किसी की लाइफ भी परफेक्ट नहीं है लेकिन बस छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना सीखें और अपने अराउंड जो है वो खुशियाँ बांटें अपने बच्चों में अपनी खुशियाँ ढूंढें और गिव अवे की पोस्ट मैं इंशाल्लाह कल अपलोड करूंगी इंस्टाग्राम में और थ्री हंड्रेड डॉलर कैश गिव अवे मैं रखूंगी और आप लोगों को सारी डिटेल्स जो है वो इंस्टाग्राम पोस्ट पर मिल जाएंगी तो जिस जिसने मुझे फॉलो नहीं किया हुआ तो जल्दी से जाएँ और फॉलो कर लें वहाँ पर सारी डिटेल्स जो है वो कल सुबह अपलोड हो जाएंगी आई होप कि आज का व्लॉग आप लोगों ने इंजॉय किया होगा अगर अच्छा लगता है तो उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग बाय अल्लाह हाफिज़